हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम लोग बातचीत करेंगे ब्लड के बारे में, विशेषकर ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स के बारे में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्लेटलेट्स हमारे शरीर के बहुत ही उपयोगी अवयवों में से एक है। जिस तरह से ब्लड के लिए हमारे प्लेटलेट्स बहुत ही उपयोगी अवयव हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के लिए, हमारे अन्य बीमारियों से बचाव के लिए या अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे शरीर में। और लेकिन यही, अगर प्लेटलेट्स की संख्या अगर अत्यधिक बढ़ जाए तो इससे हमारे शरीर में अनेक बीमारियां भी हो सकती हैं। और प्लेटलेट्स की संख्या जरूरत से अगर कम हो जाए तो इसके कारण भी हमारे शरीर में अनेक बीमारियां हो सकती हैं और उसके कारण इंसान की मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम हमारे अंत तक अवश्य सुने, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि प्लेटलेट्स किस तरह से हमारे लिए उपयोगी और किस तरह से हमारे लिए मुश्किल भी पैदा कर सकती है। और हमारे शरीर में प्लेटलेट्स अगर की संख्या बहुत कम हो जाती है तो हम उसके लिए क्या हमें खाना चाहिए और उसके लिए क्या हमें उपचार अपनाना चाहिए। चलिए दोस्तों, उस विषय पर विस्तृत जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खून में उपस्थित छोटे छोटे अनियमित आकार की जो कोशिकाएं मौजूद होती है ब्लड में, उन कोशिकाओं को ही हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। सामान्यतः किसी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में करीब 5 से 6 लीटर तक खून मौजूद होता है। और इन खून में लाल एवं श्वेत रक्त कणिकाएं तो होती ही हैं, इसके साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में प्लेटलेट्स भी उपस्थित होते हैं। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में होने वाले रक्त स्राव को सामान्यतः रोकने की भूमिका निभाते हैं, अन्यथा कहीं अत्यधिक चोट लग जाने पर हमारे शरीर का रक्त स्राव शरीर से रुक नहीं पाएगा और हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। अतः दोस्तों, प्लेटलेट्स की हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस हमारे शरीर के जिस हिस्से में चोट लग जाती है, वहाँ पर ये प्लेटलेट्स की कोशिकाएं कोलेजन नामक द्रव के साथ मिलकर चोट के स्थान पर एक अस्थायी दीवार यानी एक परत का निर्माण कर देती है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर से खून का बहना रुक जाता है। सामान्यतः हार्मोन जिसके कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बैलेंस बनाए रखी जाती है, उसे हार्मोन का नाम थ्रोम्बोपिटिन के नाम से हम लोग जानते हैं। प्लेटलेट्स की दोस्तों दो अवस्था होती है, एक अवस्था जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है और एक अवस्था जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। दोनों ही अवस्थाएं दोस्तों हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। कुछ खास परिस्थितियों में या बीमारियों में हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम होने लगती है। इस स्थिति को दोस्तों हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं। और जब हमारे रक्त में ज़रूरत से ज़्यादा प्लेटलेट्स बनने लगते हैं और खून असामान्य तरीके से गाढ़ा होने लगता है, तो इस स्थिति को दोस्तों हम थ्रोम्बोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और इस स्थिति में हमारे शरीर में खून का थक्का तेज़ी से जमने लगता है और इस स्थिति में दोस्तों हमारे शरीर में हार्ट अटैक, किडनी फेल होने की समस्या और लकवा होने की समस्या बहुत संभावना बढ़ जाती है। अतः दोस्तों, प्लेटलेट्स का संख्या हमारे शरीर में बैलेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है। विशेष रूप से दोस्तों, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 30,000 से अगर कम हो जाए तो इससे हमारे शरीर में रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। उस स्थिति में अगर हमें कहीं अगर चोट के शिकार होते हैं तो उस स्थिति में हमारे शरीर में थक्के जमने की समस्या हो सकती है और रक्तस्राव अधिक समय पर रुकेगी या हमें और इलाज में लग जाना होगा। विशेष कर दोस्तों, हमारे शरीर में अगर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के स्थिति में हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाने के खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि कीमोथेरेपी से संबंधित है और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कैंसर इत्यादि से संबंधित है। इस स्थिति में भी हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या अत्यधिक तेज़ी से कम होती है। और वैसे व्यक्ति जिन्हें अल्कोहल लेने की आदत है, शराब पीने की आदत है, वैसे व्यक्ति में भी प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम हो सकती है और उस स्थिति में वो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। दोस्तों, सामान्यतः लोगों में यह कन्फ्यूजन है, यह जानकारी का अभाव है कि अगर किसी को अगर डेंगू, चिकनगुनिया की समस्या हो या उसके लक्षण हो तो उन्हें तुरंत से प्लेटलेट्स अपने शरीर में चढ़वा लेने चाहिए, उसके डोज ले लेने चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य रूप से अगर आप अपने प्लेटलेट्स की जाँच करवाते हैं और उसकी संख्या, प्लेटलेट्स काउंट 10,000 से अगर नीचे हो तो उस स्थिति में भी दोस्तों आप अपने शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़वाने के लिए डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, उसकी विधि को अपना सकते हैं और आपको उस समय अपने शरीर में खून चढ़वाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इससे का कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि अगर आपके शरीर में या किसी को डेंगू या चिकनगुनिया है तो आपको प्लेटलेट्स की ज़रूरत शरीर में है ही है। ये दोस्तों डॉक्टरी जानकारी के बाद ही, जाँच के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि आपके शरीर को प्लेटलेट्स की ज़रूरत है या नहीं है।
सामान्यतः दोस्तों डेंगू के बारे में एक विशेष जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि डेंगू फैलाने वाली जो एडीज मच्छर होती है उनका निशाना खासकर हमारे शरीर में रक्त प्रवाहित होने वाली नसें होती है, अर्थात ये मच्छर विशेष रूप से हमारे शरीर में रक्त प्रवाहित करने वाली नसों को ही काटने के लिए निशाना बनाती है और उस स्थिति में इन मच्छरों के कारण हमारे शरीर में वायरस का तेज़ी से संक्रमण होता है और जब हमारे शरीर में वायरस तेज़ी से संक्रमण होने लगता है तो उस स्थिति में हमारे शरीर में उपस्थित खून से पानी अलग होने लगता है और खून में मौजूद छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में जो मौजूद प्लेटलेट्स होते हैं वो तेज़ी से कम होने लगते हैं और जब यह संख्या असामान्य रूप से कम हो जाती है तो खून का थक्का जम नहीं पाता है और प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत इस स्थिति में दोस्तों आ सकती है। अतः दोस्तों कभी भी खुद से प्लेटलेट्स अपने शरीर में अलग से लेने की कोशिश ना करें। दोस्तों एक जानकारी पुनः मैं आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में इसका संख्या बैलेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्लेटलेट्स 30,000 प्लेटलेट्स की संख्या डॉक्टरी जाँच के बाद अगर आपके शरीर में ज़रूरत से कम हो तो वो स्थिति भी आपके शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति कर सकती है और अगर शरीर में अगर प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से बहुत अधिक हो तो उस स्थिति में दोस्तों हमारे शरीर में अनेक रोग बीमारी मौत की भी संभावना हो जाती है। विशेष रूप से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाने पर हमारे शरीर में हार्ट अटैक, किडनी फेल और लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है और इस स्थिति में किसी किसी इंसान की मौत भी हो जाती है। उसी तरह से दोस्तों अगर हमारे शरीर में कैंसर की अगर उस स्थिति में हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की अगर संख्या कम हो जाए तो इस स्थिति में अगर डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के शिकार अगर व्यक्ति हैं तो उस स्थिति में भी उन्हें बहुत समस्याएं हो सकती है और वो मौत के शिकार हो सकते हैं। अतः दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या का सही अनुमान डॉक्टरी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स सही रूप में कितने होने चाहिए और आपको अलग से प्लेटलेट्स चढ़वाने की ज़रूरत है कि नहीं। चलिए दोस्तों अब बातचीत करते हैं विशेष रूप से घरेलू उपायों के बारे में कि प्लेटलेट्स अगर आपके शरीर में अगर कम हो तो ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ हों, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका हम सेवन करें तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बैलेंस रह सकती है, बढ़ सकती है। दोस्तों सामान्यतः विटामिन B12, फॉलिक एसिड ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में ब्लड की गुणवत्ता को सुधारते हैं, विशेष रूप से प्लेटलेट्स की संख्या को बैलेंस रखते हैं। इस स्थिति में हमारे शरीर में पोषक तत्व, चूँकि अधिक मात्रा में पोषक तत्व हमारा ब्लड लंबे समय तक संग्रहित नहीं रख पाएगा तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने नियमित आहार में नियमित रूप से पालक, बीन्स, कीवी, फ्रूट, खट्टे फल जिसमें फोलिक एसिड की अधिक मात्रा मौजूद होती है, अंडे, दूध, पनीर, मटन, विटामिन B12 युक्त भोजन। इसके अलावा मौसम बदलने के साथ दोस्तों आप अपने भोज्य पदार्थों में हरी सब्जियाँ, आंवला, ब्रोकली, चीकू, काजू, विटामिन इत्यादि को रेगुलर वे में अपने आहार में अपने न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट में शामिल करें जिसका सेवन आपको नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा ब्लड लंबे समय तक इन पोषक तत्वों को अपने में रिजर्व नहीं रख सकता है, स्टोर नहीं रख सकता है। अतः दोस्तों इन फूड सप्लीमेंट की, इन भोज्य पदार्थों की रेगुलर वे में अपने रूटीन वे में आपको शामिल कर लेना चाहिए ताकि आप प्लेटलेट्स कम होने की संभावना और ब्लड की क्वालिटी अच्छी होने के समस्या से घिरे नहीं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का हमारा प्रोग्राम विशेष रूप से केवल इस विषय पर केंद्रित था कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कैसी हो और अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए तो वो भी आपके लिए अच्छी नहीं है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो तो वो भी आपके लिए अच्छी नहीं हो, और आपके शरीर में अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो या प्लेटलेट्स की संख्या को बैलेंस रखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपके शरीर में आपको कौन से भोज्य पदार्थों का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा यह अभी का प्रोग्राम दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक अवश्य करें और हमारे इस प्रोग्राम को अपने नाते रिश्तेदारों दोस्तों से निश्चित रूप से शेयर करें ताकि वो भी इसकी जानकारी से अवगत होकर लाभान्वित हो सके और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी हम नेक्स्ट अपडेट्स आपके स्वास्थ्य संबंधित देंगे उसकी जानकारी आपको स्वतः मिलती रहे। और दोस्तों हमारे चैनल को के बेल आइकन को अवश्य दबाएं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।